गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जा रहा हूँ पुणे के मोस्ट फेमस श्रीमंत दगड़ूशेठ गणपति के दर्शन करने के लिए। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ कि आप दगड़ूशेठ गणपति कैसे पहुँच सकते हैं, मंदिर का टाइमिंग क्या होगा, दर्शन में कितना टाइम लगेगा और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा रहेगा। तो ऐसी सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूंगा कि आप दगड़ूशेठ गणपति के साथ और कौन कौन से प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ऐसी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप दगड़ूशेठ गणपति कैसे पहुँच सकते हैं। दगड़ूशेठ गणपति आने के लिए जो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है पुणे जंक्शन, और एक स्टेशन है वो है छत्रपति शिवाजी नगर रेलवे स्टेशन। तो अगर आप मुंबई से आ रहे हैं तो आप छत्रपति शिवाजी नगर उतर सकते हैं, एंड वहाँ से आपको मंदिर जाने के लिए जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 2 किलोमीटर है। तो आप बाय फुट भी कवर कर सकते हैं और आपको काफ़ी सारे ऑटोज एंड बसेज भी मिल जाएंगे रेलवे स्टेशन के बाहर से। छत्रपति शिवाजी नगर से दगड़ूशेठ गणपति सिर्फ 2 किलोमीटर है। तो मैं चल के जा रहा हूँ मंदिर तक, क्योंकि ये हार्डली 2 किलोमीटर है, तो मुझे 15 से 20 मिनट लग सकता है। तो मैं मेन एंट्रेंस तक पहुँच गया हूँ दगड़ूशेठ गणपति के लिए। तो जस्ट ठीक मेरे पीछे ही है मंदिर, तो चलिए फिर अभी चलते हैं और दर्शन करते हैं। यहाँ पर है ना, आप नारियल वगैरह ले सकते हैं गणपति जी को चढ़ाने के लिए। तो ये मेन मार्केट है मंदिर के बाहर, और ये जो सामने आप देख सकते हैं ये है मेन टेंपल दगड़ूशेठ गणपति जी का। तो ये सामने आप देख सकते हैं ये है मेन टेंपल श्रीमद दगड़ूशेठ हलवाई गणेश मंदिर का। तो अभी अंदर मूर्ति नहीं है, क्योंकि हर गणेश चतुर्थी के टाइम पे मूर्ति को यहाँ से हटाकर मेन मंडप पर बैठाते हैं। तो अभी हम मंडप तक भी जाने वाले हैं, तो आप ये मेन टेंपल का दर्शन कर लीजिए। यहाँ से आप प्रसाद भी ले सकते हैं, और ये मेन टेंपल के यहाँ पर है। तो ठीक मेरे सामने आप देख सकते हैं ये है राम मंदिर। तो इस बार गणेश जी को राम मंदिर की तरह सजाया गया है, और ठीक मेरे सामने आप देख रहे हैं ये मंडप है पूरा, और अंदर आप देख सकते हैं गणेश जी विराजमान है। तो अभी और मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। तो चलिए फिर और करीब जाते हैं गणेश जी के।
दर्शन करके हो गया है और हमें सिर्फ आधा घंटा लगा दर्शन करने के लिए, तो आपको भी अगर दर्शन करने आना है ना तो अर्ली मॉर्निंग जल्दी आना, तो आपका जल्दी दर्शन हो जाएगा, बिकॉज उसके बाद है ना काफी ज्यादा गर्दी हो जाता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जो भी आसपास के प्लेसेस है वो एक्सप्लोर करूंगा और आपको बताऊंगा। दगड़ूशेठ गणपति के दर्शन करने के बाद अब हम आए हैं कस्बा गणेश मंदिर के दर्शन करने के लिए, जो ठीक आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अभी मैं आ गया हूँ शनिवार वाड़ा, जो कि दगड़ूशेठ गणपति के जस्ट बगल में ही है, तो आप ये भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये सामने टिकट काउंटर है और पर पर्सन 25 रुपीज एज ए एंट्री फीस है, और यहाँ से आपको एंट्री मिलती है, और ये मेन दरवाजा है। ये शनिवार वाड़ा है ना, 17 सेंचुरी में ना इसे बाजीराव पेशवा ने बनाया था, और ये उस समय का ना एक पैलेस हुआ करता था जो एकदम शानदार दिखता था। और अभी के टाइम पे ना यहाँ पर पूरा ऐसा बगीचा बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं पूरा ऐसा गार्डन बन चुका है। और आपको यहाँ पर ना 5 गेट देखने मिलेंगे, नारायण दरवाजा, गणेश दरवाजा, और मेन जो एंट्रेंस के यहाँ से आप आते हैं वो है दिल्ली दरवाजा। तो ऐसे काफ़ी सारे दरवाजा आपको देखने मिलेंगे, वाड़ा देखने मिलेंगे। और ये सामने जो आप देख सकते हैं ये है गणेश दरवाजा, और इस गणेश दरवाजा के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में लिखा गया है, तो आप ये पढ़ लीजिए। तो ये सामने आप देख सकते हैं ये है नारायण गेट, और यहाँ पर है ना कुछ थोड़ा डिटेल दिया गया है, तो आप ये पढ़ लीजिए। तो ऊपर से ना आपको पूरा शनिवार वाड़ा का एकदम खूबसूरत सा व्यू देखने मिलता है, तो आप सामने देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा व्यू है ये। हमने सारे प्लेसेस एक्सप्लोर कर लिए हैं, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फिर मिलता हूँ आपको एक नए ट्रैवल व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, साइनिंग ऑफ फ्रॉम शनिवार वाड़ा, और बोलिए मेरे साथ गणपति बप्पा मोरया।